प्रयागराज में उमेश पाल के घर के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब उनके घर से धुआं उठने लगा। खबर फैली कि उमेश पाल के घर पर बमबाजी हुई है। स्वर्गीय उमेश पाल के भतीजे रोहित पाल के द्वारा सूचित किया गया कि उनके घर पर जहां पशुओं को बांधा जाता है वहां पर धुआं उठ रहा है और कूड़े में आग लगी है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच की तो जो बात निकलकर सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। दरअसल मामला प्रयागराज के धूमनगंज इलाके का है, जहां मंगलवार की दोपहर 3:45 बजे के करीब ये हादसा हुआ, जब उमेश पाल के घर के उस दायरे में जहां जानवरों को बांधा जाता है वहां से धुआं उठता दिखाई दिया। खबर फैली कि उनके घर पर बमबाजी की गई है। इसके बाद उमेश पाल के भतीजे रोहित पाल ने पुलिस को सूचित किया कि उनके घर पर जहां पशुओं को बांधा जाता है वहां पर धुआं दिखाई दे रहा है और कूड़े में आग लगी हुई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें उस इलाके से धुआं उठता देखा जा सकता है। इसके बाद सूचना पाकर मौके पर पुलिस जांच के लिए पहुंची। पुलिस की जांच में पाया गया कि ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई है। इस मामले में रोहित पाल की तरफ से पड़ोसी संजय पटेल और उनके 3 साथियों पर शक जाहिर किया गया। साथ ही उमेश पाल की पत्नी जया पाल की शिकायत पर इन 4 पड़ोसियों को हिरासत में ले लिया गया है और अब इनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने जांच में पाया कि बमबाजी जैसी कोई घटना तो नहीं हुई है। हालांकि घर के पास खाली पड़ी जमीन के कूड़े के ढेर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई है। पुलिस ने यह भी पाया कि जमीन को लेकर पाल परिवार और पड़ोसी पटेल परिवार के बीच कुछ विवाद है। पुलिस का इस मामले पर क्या कुछ कहना है वो सुनिए। दिनांक 26/3/24 को थाना धूमनगंज में रोहित पाल, जो कि स्वर्गीय उमेश पाल के भतीजे हैं, उनके द्वारा सूचित किया गया कि उनके घर में पीछे की तरफ जहाँ पे वो पशु बांधते हैं वहाँ पे धुआं उठ रहा है और कूड़े में आग लगी है। इस सूचना पे तुरंत थाने की जो पुलिस है वो मौके पे गई और ACP धूमनगंज भी स्वयं मौके पे गए। उनके द्वारा जब जांच की गई तो उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि वहाँ जो पीछे की तरफ जो पशु बांधते हैं वहाँ पे जो कूड़ा पड़ा हुआ था उसमें किसी ने ज्वलनशील पदार्थ डाला है। और जो शक है इसमें, जो इनके द्वारा जाहिर किया गया है वादी के द्वारा, वो इन्हीं के पड़ोसी संजय पटेल और इनके अन्य साथियों पे किया है। इसमें पुलिस के द्वारा संजय पटेल व इनके अन्य 3 साथी जो हैं उनको हिरासत में ले लिया है और जो वादी पक्ष है उनसे तहरीर प्राप्त करके इसमें आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। बमबाजी जैसी कोई भी घटना वहाँ पे नहीं हुई है। बता दें कि उमेश पाल BSP विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे ने उमेश पाल की हत्या कर दी थी। एक समय उमेश पाल हत्याकांड काफी सुर्खियों में रहा था। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में ही अतीक अहमद की पेशी के दौरान उसकी भी हत्या कर दी गई थी। प्रयागराज से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।